हरपाल सिंह, क्या आपको हरपाल सिंह का नाम याद है? वो हरपाल सिंह जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में बहुत पहले पढ़ा था। और यदि आपको हरपाल सिंह का नाम याद आ जाए तो आपको याद आएंगे वो बूढ़े बाबा जिनकी पांच बातों ने हरपाल सिंह की जिंदगी बदल दी। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत प्रेरणादायी भी है। ये कहानी मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि इस कहानी को याद करके और इस कहानी में दी गई पांच सीखों को अपनी जिंदगी में उतार कर हम सब अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत क्रांतिकारी कहानी है, बहुत प्रेरणादायी कहानी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा वक्त निकालें और इस कहानी को सुने, मनन करें, चिंतन करें और इसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। हरपाल सिंह एक ऐसा व्यक्ति जो एक गांव में रहता है, बहुत पुराने जमाने की बात है, गांव में कोई रोजगार के साधन नहीं, बूढ़ी मां जिसे इलाज की जरूरत है, बीबी और बच्चे, रोजगार के संकट ने, आर्थिक तंगी ने हरपाल सिंह को तोड़ कर रख दिया। हैरान परेशान हताश हरपाल सिंह एक दिन इतना निराश हो गया कि उसने सोचा कि या तो मैं मर जाऊं या फिर कुछ कर जाऊं। उसे लगा कि अब इस गांव में रहना व्यर्थ है, मुझे इस गांव से निकलना चाहिए और मुझे अपने राज्य के मुख्यालय में जाना चाहिए, शायद वहां कोई रोजगार मिल जाए, अपनी किस्मत को एक चांस देना चाहिए। और हरपाल सिंह अपने राज्य के मुख्यालय की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो घर से निकला, रास्ते में एक बूढ़े बाबा का घर पड़ता था। बूढ़े बाबा बहुत ज्ञान की बातें किया करते थे। हरपाल सिंह ने सोचा कि चलो, जा तो रही हैं, बूढ़े बाबा से भी मिलते चलो, शायद कुछ ज्ञान की बातें मिल जाए। हरपाल सिंह बूढ़े बाबा के पास पहुंचता है। जैसा कि हमारे यहां परंपरा है कि हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, चलो स्पर्श करते हैं, हरपाल सिंह ने भी बूढ़े बाबा को प्रणाम किया और उन्हें बताया कि वो रोजगार की तलाश में अपने राज्य के मुख्यालय जा रहा है। बूढ़े बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा, तुम जाओ, लेकिन मेरी ये पांच बातें तुम याद रखो। बूढ़े बाबा ने पांच बातों की गठरी हरपाल सिंह को दी। बूढ़े बाबा की उन पांच सीखों को, उन पांच बातों को हरपाल सिंह ने अपने दिमाग में बैठा लिया। हरपाल सिंह राज्य के मुख्यालय में पहुंचा, वहां कोई उसकी पहचान तो थी नहीं, जैसे तैसे उसका संपर्क वहां के प्रधान सेवक से हुआ। हरपाल सिंह ने प्रधान सेवक को अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी बताई। प्रधान सेवक ने हरपाल सिंह की दीनता को देखते हुए उस पर तरस खाकर उसे भृत्य की, चपरासी की नौकरी दे दी। एक बार राजा अपने दलबल के साथ जंगलों की तरफ निकले शिकार करने के लिए। प्रधान सेवक के साथ हरपाल सिंह भी एक भृत्य के तौर पर उस दलबल में शामिल था। शिकार करते करते ये पूरा दल घने जंगलों की तरफ आगे बढ़ता चला गया और ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो पानी वो स्टोर करके लाए थे वो पानी खत्म हो गया था। अब राजा को बहुत तेजी से प्यास लग रही थी, राजा व्याकुल था, आसपास पानी का कोई सोर्स दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने प्रधान सेवक से कहा कि मुझे पानी चाहिए, कैसे भी करके पानी लेकर आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। प्रधान सेवक अपने साथियों के साथ पानी की खोज में निकला और वापस आ गया। हालांकि पास ही में एक बावड़ी थी जहां पर पर्याप्त पानी था,
लेकिन प्रधान सेवक की उस बावड़ी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कहा जाता था कि उस बावड़ी में एक भूत, एक प्रेतात्मा रहती है और वो किसी को वहां से पानी भरने नहीं देती, वो बहुत खतरनाक प्रेतात्मा है। प्रधान सेवक वापस आ गया और हैरान परेशान प्रधान सेवक को देखकर हरपाल सिंह से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्या आपको पानी मिला, क्या आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। प्रधान सेवक ने कहा कि पानी का स्रोत तो है, पास में एक बावड़ी है, लेकिन वहां एक प्रेतात्मा रहती है, बहुत खतरनाक प्रेतात्मा है, इसीलिए मेरी उस बावड़ी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। हरपाल सिंह ने कहा कि आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं आपके लिए उस बावड़ी में उतरूंगा और पानी लेकर आऊंगा। प्रधान सेवक ने कहा कि पागल हो गए, उस बावड़ी में उतरोगे तो वो भूत तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें निगल लेगा, तुम्हारी जान ले लेगा। हरपाल सिंह थोड़ा डरा, लेकिन उसे बूढ़े बाबा की वो बात याद आई जिसमें बूढ़े बाबा ने कहा था कि जो तुम्हारी मदद करे उसकी तुम भी मदद करना, उसकी बात सुनना, उसके दुख दर्द में तुम भी साथ देना। हरपाल सिंह ने कहा कि नहीं, आपने मेरी मदद की है, कितना ही बड़ा खतरा हो, कितना ही बड़ा भूत प्रेत हो, मैं जाऊंगा पानी लेकर आऊंगा। प्रधान सेवक ने कहा ठीक है जाओ। हरपाल सिंह बावड़ी में पहुंचा और जैसा कि आप जानते हैं कि बावड़ी में सीढ़ियां होती हैं, हरपाल सिंह उन सीढ़ियों से बावड़ी में पानी तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो पानी तक पहुंचा वैसे ही उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया, पूरा की पूरा भूत की तरह दिखने वाला वो व्यक्ति बहुत खतरनाक सा लग रहा था। उस व्यक्ति ने अपने शरीर पर एक कंकाल डाले हुए था। हरपाल सिंह ने कहा हो ना हो यही वो भूत है। वो भूत हरपाल सिंह के सामने आया और उसने कहा कि यहां क्यों आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। हरपाल सिंह ने कहा मुझे पानी चाहिए, हमारे राजा प्यासे हैं और उनके लिए पानी ले जाना बहुत जरूरी। भूत ने कहा ठीक है, तुम पानी ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना, और यदि तुमने सवाल का सही जवाब नहीं दिया और मैं उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार। हरपाल सिंह ने कहा ठीक है, आप सवाल कीजिए। उस भूत से दिखने वाले व्यक्ति ने कहा तुम बताओ कि ये जो मेरी पत्नी है वो कैसी दिखती है। हरपाल सिंह ने सोचा कि जरूर ये व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता होगा, तभी तो ये उसके कंकाल को अपने साथ लिए घूम रहा है। और उसके दिमाग में बाबा की वो बात याद आई जिसमें बाबा ने कहा था कि कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करना। हरपाल सिंह ने सोचा कि यदि मैं इससे कहूंगा कि ये तो कंकाल है, तुम पागल हो गए हो, तो इसका दिल दुखेगा। हरपाल सिंह ने कहा कि अरे वाह, तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी इस पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत महिला है। हरपाल सिंह का जवाब सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि पहली बार किसी व्यक्ति ने मेरी पत्नी के बारे में सही बात कही, मैं तुमसे खुश हुआ, तुम यहां से पानी ले जा सकते हो, साथ ही साथ तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हरपाल ने कहा कि यदि आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप इस बावड़ी को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि यहां से कई लोगों को पानी मिल सकता है। वो व्यक्ति उस बावड़ी को छोड़कर चला गया। हरपाल सिंह पानी लेकर वापस अपने प्रधान सेवक के पास पहुंचा। प्रधान सेवक और राजा उस पानी को देखकर बहुत खुश हुए। सब लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे हरपाल सिंह उस बावड़ी तक पहुंच गया और कैसे उसने उस भूत का सामना किया होगा। सबने पूछा, हरपाल सिंह ने कहा कि न सिर्फ उसने भूत का सामना किया बल्कि भूत को भगा भी, भूत वहां से चला गया। हरपाल सिंह की इस होशियारी पर पूरा राज परिवार खुश हुआ और राजा ने हरपाल सिंह का प्रमोशन करते हुए उसे
उस राज्य का खजांची बना दिया, ट्रेजरार बना दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि बॉस यदि खुश हो जाए तो प्रमोशन मिलना तो तय है। हरपाल सिंह को भी प्रमोशन मिल गया, प्रमोशन छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा प्रमोशन था, पूरे राज्य का वो खजांची बन गया। बाबा की दो बातें उसकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन का सबब बन गया। हरपाल सिंह अपने काम में मस्त रहता, व्यस्त रहता, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को वो निभाता, लेकिन हरपाल सिंह की राजा से नजदीकी और उसके काम में लगन और ईमानदारी को देखते हुए बाकी लोग बहुत परेशान थे। और कोई भी ईमानदार व्यक्ति यदि खजाने पर बैठा हो तो बेईमानों की तो शामत आ जाती है। वो लोग बैठकर योजना बनाने लगे कि आखिर कैसे हरपाल सिंह को अपने रास्ते से हटाया जाए। किसी ने बोला कि हरपाल सिंह को अपने रास्ते से हटाना ठीक नहीं, यदि इसके साथ कुछ भी हुआ तो राजा बहुत नाराज हो सकता है। और आम जिंदगी में भी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है या तो उसे बेईमान लोग अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं या उसे भी बेईमान बना देते हैं। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हरपाल सिंह को भी कुछ लालच दिया जाए। वो सब लोग हरपाल सिंह के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में पूरा खजाना है, तुम्हारे बीवी बच्चे दरिद्रता से गरीबी से मर रहे हैं, तुम्हारी मां को इलाज नहीं मिल पा रहा और तुम खजाने की सेवा में लगे हुए हो, तुम्हारे सामने इतना बड़ा मौका है, इस खजाने से कुछ तुम भी लो, कुछ हमें भी दो और हम सब मिलकर इस खजाने में सेंध लगाते हैं, न राजा को पता चलेगा न प्रजा को पता चलेगा और हम लोगों का घर भी चलेगा और इसमें बुरा क्या है। हरपाल सिंह ने सोचा कि बात तो सही कही, यदि इस इतने बड़े खजाने में से थोड़ा बहुत कुछ निकाल भी लिया तो इसमें बुरी बात क्या है, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी भी है, मेरे बीवी बच्चे माँ सबको बहुत आशा और उम्मीदें हैं मुझसे। लेकिन तभी हरपाल सिंह को बाबा की तीसरी बात याद आई। बाबा ने कहा था ईमानदारी से कभी समझौता मत करना। साथ साथ चौथी बात भी बाबा ने कही थी कि कभी भी योग्यता से ज्यादा हासिल करने की कोशिश मत करना। ये दोनों बातें हरपाल सिंह को बेचैन कर रही थी। हरपाल सिंह ने सोचा कि यदि मैं खजाने में सेंध मारता हूं तो ईमानदारी से समझौता भी होगा, ये उस राजा के साथ बेईमानी होगी और मेरी योग्यता से ज्यादा धन पाकर, ये भी बूढ़े बाबा ने मना किया था कि योग्यता से ज्यादा न पद न धन इन किसी की भी इच्छा मत करना। हरपाल सिंह ने उन चारों लोगों से मना कर, बेईमानों ने दूसरी चाल अपनाने के बारे में प्लान किया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया, क्यों ना इसका मर्डर कर दिया जाए, इसकी हत्या कर दी जाए। लेकिन उनमें से एक बोला कि हमने पहले ही सोच लिया था कि इसकी हत्या कर दी जाए लेकिन राजा बहुत नाराज हो जाएगा, तो काम ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सबके दिमाग में एक ही बात आई कि क्यों ना राजा की नजरों में इसे नीचा गिरा दिया जाए और क्यों ना राजा के हाथों से ही इसे मरवा दिया जाए। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से राजा और उनके आसपास के लोगों को भरना शुरू कर दिया और एक दिन राजा को ये यकीन हो गया कि हो ना हो ये लोग जो कह रहे हैं कि हरपाल सिंह बेईमान है, हरपाल सिंह खजाने में सेंधमारी कर रहा, बात सही हो। और तो और इन लोगों ने राजा से कहा कि न सिर्फ हरपाल सिंह आपके खजाने में सेंधमारी कर रहा है बल्कि हरपाल सिंह आपके बारे में भला बुरा भी कहता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर वो आपके राज्य पर कब्जा भी जमाना चाहता है। राजा आग बबूला हो गया। राजा ने सोचा कि अब हरपाल सिंह को अपने रास्ते से हटा ही देना चाहिए, लेकिन चूंकि वो उसका विश्वास पात्र कहलाता था इसलिए राजा ने सोचा ये काम मुझे अपने हाथों से नहीं करना चाहिए। अपने महल के कुछ दूर पर राजा एक नया भवन तैयार करवा रहा था। राजा ने वहां के मुख्य कारीगर को बुलाया और कहा
आज मैं तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजूंगा, वो व्यक्ति तुमसे पूछेगा कि काम पूरा कब होगा, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और जैसे ही वो व्यक्ति तुमसे ये सवाल पूछे, तुम उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देना। मुख्य कारीगर ने कहा कि जो आ गया। इधर राजा ने हरपाल सिंह को बुलाया और कहा कि पास ही में हमारा नया भवन तैयार हो रहा है, जाओ वहां के मुख्य कारीगर से पूछ कर आओ कि काम कब तक पूरा होगा, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हरपाल सिंह ने कहा कि ठीक है। हरपाल सिंह महल से निकला उस भवन की तरफ, उस स्थल की तरफ जहां पर वो भवन बन रहा था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक महात्मा प्रवचन दे रहा है। उसे बूढ़े बाबा की बात याद आई कि जहां भी ज्ञान की दो बातें मिले उन्हें जरूर सुनना, वहां रुकना जरूर। हरपाल सिंह ने कहा कि थोड़ी देर बाद हम मुख्य कारीगर के पास चले जाएंगे, पहले इन महात्मा का प्रवचन सुन लेते हैं। हरपाल सिंह महात्मा का प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। इधर हरपाल सिंह प्रवचन सुन रहा था, शाम होती जा रही थी। राजा ने प्रण लिया था कि जब तक हरपाल सिंह की मृत्यु की सूचना उन्हें नहीं मिल जाएगी, वो खाना नहीं खाएंगे। राजा भूख के मारे परेशान थे। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया जिस व्यक्ति ने हरपाल सिंह के खिलाफ षड्यंत्र किया था। राजा ने कहा कि जाओ, हमारे महल के पास एक नया भवन तैयार हो रहा है, वहां के मुख्य मिस्त्री से पूछ कर आओ कि उसे जो काम दिया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं। वो व्यक्ति मुख्य मिस्त्री के पास पहुंचा, मुख्य कारीगर के पास पहुंचा और पूछा उसने कि राजा साहब ने जो काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हरपाल सिंह प्रवचन सुन रहे हैं, इधर ये महाशय मुख्य कारीगर के सामने और वही सवाल कर रहे हैं जो हरपाल सिंह को करना चाहिए। मुख्य कारीगर ने सोचा कि यही वो व्यक्ति है। मुख्य कारीगर ने आओ देखा ना ताओ और उस महाशय का, उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया। हरपाल सिंह प्रवचन से निपटे, हरपाल सिंह ने सोचा कि मैं भी चलता हूं। हरपाल सिंह वहां पहुंचा और मुख्य कारीगर से पूछा, बताओ राजा ने जो काम तुम्हें दिया था वो काम पूरा हुआ कि नहीं। मुख्य कारीगर ने कहा कि हाँ, काम पूरा हो गया। राजा ने कहा था कि जो व्यक्ति तुमसे पूछेगा कि काम पूरा हुआ कि नहीं, उसका सर धड़ से अलग कर देना। मैंने ये सर धड़ से अलग कर दिया। हरपाल सिंह बात समझ में आ गई कि ये तो मुझसे कहा था राजा ने, यानी मेरी हत्या की साजिश थी। हरपाल सिंह उस व्यक्ति का सर लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो हरपाल सिंह का सर कलम करने को कहा था और यहां तो उस व्यक्ति का सर कलम हो गया जो मैंने बाद में भेजा था। बाद में सारी बातें साफ हो गई, हरपाल सिंह पाक साफ निकले। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और जिसने षड्यंत्र किया था उसकी मृत्यु भी हो गई, उसको अपने किए की सजा भी मिली। तो ये पांच बातें, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से समझौता मत करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपनी योग्यता से ज्यादा हासिल करने की कभी कोशिश मत करो, जहां भी ज्ञान की दो बातें मिले उन बातों को सुनो। इन बातों को अपनाकर हम भी अपना जीवन बदल सकते हैं, हमारी जिंदगी में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमारे जिंदगी में बदलाव के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, बड़ा कदम साबित हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपनी शिकायत, सुझाव या जो भी आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो जरूर